बागेश्वर जिले के चामी निवासी गौरव पांडे ने लंदन में देश का नाम रोशन किया है। दरअसल लंदन के डर्मी शहर में हुए निकाय चुनाव में गौरव ने काउंसलर पद पर जीत हासिल कर पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। बागेश्वर जिले के दूर दराज से निकलकर लंदन जैसे विकसित देश में अपने नाम का परचम फैलाना आसान नहीं होता। वहीं गौरव की इस जीत के बाद उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी है। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद गौरव का पूरा परिवार जम्मू में बस गया। वहीं गौरव के बड़े भाई हैदराबाद में नौकरी करते हैं। दरअसल गौरव काउंसलर पद पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। वहीं 5 बार हारने के बाद गौरव ने अपने छठे प्रयास में जीत हासिल की है। इस दौरान गौरव के बचपन की यादें साझा करते हुए उनके चाचा महीप पांडे ने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के बाहर सफलता हासिल करता है तो बड़ी खुशी होती है। साथ ही गौरव के चाचा ने भी गौरव की सफलता को खूब सराहा। मेरा नाम पिंकी पांडे है, मैं उनकी चाची रखती हूँ। तो बहुत खुशी होती है अपने परिवार का, हमारे घर का बेटा आज एक मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है उन्होंने, साथ में हमारे मतलब जैसे गांव के साथ साथ जिले का, पूरे हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं यही कहती हूँ कि कई बार उन्होंने कई संघर्षों के बाद ये जीत हासिल की है, तो यही उनके लिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दिल हारी हवा मेरा बहुत बड़ी कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा इंसान अनहोड़ते हैं, ऐसा आगे का भविष्य बनोड़ते हैं। मैं ये नानी लागन हूँ और मगर ये तो खुशी है रहा, आप खुशी अनुसार में कहने में आप बच्चों यही कहूँ कि यही आशीर्वाद दिनों तुम ऐसे आगेला अपना नाम रोशन करते रहो, अगला अपना जीवन को सुधारते रहो। उसका गौरव का चचा लगता हूँ। बचपन में और मैं साथ ही खेला करते थे, वो मेरे से 4 साल छोटा है। गांव का नौला था और नौले में तो ये नहाने वक्त कूद के तैरना स्टार्ट कर देता था मैं, और पूरे पानी को भी खराब कर देता था, पीने वाला पानी एकमात्र स्रोत का। उसके बाद ये पढ़ाई में, इसके पिताजी जम्मू में थे एमईएस में, उधर कोई आगे पढ़ाई की जम्मू से, इसने फिर 2003 में इंग्लैंड चले गया, वहीं नौकरी भी की। धीरे धीरे ये वहाँ ये चुनाव लड़के आज ये बन गया चांसलर, बहुत अच्छा लग रहा है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।